तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग मोशन। इसके पहले वीडियो में हमने क्या क्या देखा है मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है, लेकिन इसमें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रोलिंग मोशन। तो बोर्ड के लिए इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि कैसा एक किस एंगल से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। डिफाइन रोलिंग मोशन, यानी कि रोलिंग मोशन के ऊपर, यानी कि डिफाइन रोलिंग मोशन, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रोलिंग मोशन बोले तो क्या है बच्चों, समझो एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक तिरछा बोलते हैं हम, ऐसा इंक्लाइंड सरफेस है, और इसके ऊपर एक छोटी सी बॉडी ऐसी अगर रोल होके नीचे आ रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डिटरमाइन करना होगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर एक टॉप तक, यानी कि टॉप पोजीशन को अगर एक बॉडी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा, वो बॉडी रोटेट होने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, यानी टॉप की काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, मिडल को कैसी रहेगी और बॉटम को कैसी रहेगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन पूरा रोलिंग मोशन जो है वो पूरा कंप्लीट करेंगे हम। ओके, तो चलो देखते हैं। मेरे साथ आप जो पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ मेरा बेटा भी है, देवव्रत है इसका नाम, थोड़ा सा आ गया ये मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, इधर से इधर दिखता है सामने, इधर दिख रहेगा, थोड़ा सा आ गया, नहीं इधर इधर दिखता है। ओके, ये मेरा बेटा है आपके साथ, ये भी पढ़ रहा है, इससे भी पढ़ रहा हूँ और आप भी पढ़ रहे हैं, यानी कि एक इसका सेपरेटली लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं रहता मेरे पास, इसलिए मैं इसे कहा कि एक दूसरा मॉनिटर मैंने इसलिए लगाया है और ये आपके साथ पढ़ रहा है। ओके, तो चलो हम देखते हैं। ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, समझो एक रोलिंग बॉडी है तो रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हम डिटरमाइन करने वाले हैं। विदाउट स्लीपिंग, ये देखो स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग, यानी कि स्लीपिंग बोले तो मराठी में हम इसे घसरत जाने असं म्हणूया आपण, बॉडी कशी घसरत जाने, रोलिंग होणे, रोलिंग आणि घसरत जाने यामध्ये फरक आहे। तुम्ही शाळेमध्ये दहावीला नववीला असताना घसरगुंडी पाहिली असेल, आता सध्या जे प्रायमरी जे स्कूल्स आहेत, जो प्रायमरी स्कूल आहे तो प्रायमरी स्कूल में एक स्केट करने के लिए, स्लाइडिंग करने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए एक इक्विपमेंट रहता है, उसके ऊपर एक बच्चा अगर घिसट के नीचे आता है तो उसे हम स्लिपिंग कहते हैं। अगर हम एक बॉल, एक चेंडू ऊपर रख देते हैं और उसे हम छोड़ते हैं तो वो रोल होके नीचे आता है, उसे हम बोलते हैं रोलिंग। तो रोलिंग होने वाले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, और इसके बाद स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन, देखो स्टेट द फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स बोले तो घटक, अफेक्टिंग ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, समझो एक बॉडी है वो रोल कर रही है तो उसके ऊपर परिणाम करने वाले, उसको उसे अफेक्टिंग करने वाले ऐसे कुछ कौन से फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स के बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ सेंटर, देखो डेफिनेशन मैं आपकी इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं। तो रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशनल ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये देखो यहाँ दो टर्म है, एक टर्म है कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि अगर एक बॉडी ऐसे टॉप पे, इधर इस साइड में मैं आपको ये फिगर ड्रॉ करके दे रहा हूँ, समझो एक ऐसा है, एक स्लाइडिंग सरफेस दिया है, समझो एक ऐसी टॉप पे बॉडी है और ये स्लाइडिंग करके, रोलिंग करके ये बॉडी टॉप से लेके ऐसे नीचे तक, बॉटम तक आ रही है, तो यहां अगर ये बॉडी रोटेट रोल होके नीचे आती है तो यहां ट्रांसलेशनल मोशन होती है, कैसी बॉडी ऐसी यहां टॉप पे है तो टॉप से बॉडी ऐसी बॉटम पे आ रही है, यानी कि टॉप से लेके वो बॉडी बॉटम तक आ रही है, इसका ट्रांसलेशनल हो रहा है, ट्रांसलेट हो रही है बॉडी, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है,
ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, यानी कि यहां एक मोशन है वो है ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा क्या है रोटेशनल मोशन है, यानी कि बॉडी रोटेट होते हुए नीचे आ रही है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है यहां, यहां है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ये दोनों का एडिशन होके यहां हो रहा है रोलिंग मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होके रोलिंग मोशन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके, ओके। तो यहां एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अब ये सेंटर ऑफ मास क्या है, समझो एक बॉल हम अपने उंगली के ऊपर उसे घुमाते हैं, बहुत सारे बच्चे खेल खेलते वक्त बॉल का खेल खेलते, वॉलीबॉल है फुटबॉल है अगर उसका खेल खेल रहा है तो वॉलीबॉल उंगली पे घुमाते उसे, यानी कि उंगली के ऊपर उसे घुमाते वक्त उसका जो एक सेंटर ऑफ मास रहता है एक ही पॉइंट पे आता है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहां देने की कोशिश करूंगा, ये पेन है मेरा, लिखने का पेन है, इसका सेंटर ऑफ मास मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये देखो ये जो पेन है पेन का ए साइड का हिस्सा और ए साइड का हिस्सा दोनों तरफ हिस्सा इसका सस्पेंड है, लेकिन होल मास ऑफ दिस बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये जो पेन है पेन का टोटल जो मास है वो मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सो इसे इसीलिए हम इसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अगर एक चेंडू बॉल है समझो, गेंद है खेलने का जो गेंद है समझो, एक बड़ा फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो या खेलने का गेंद हो, अगर हम ऐसे इंक्लाइन सरफेस पे अगर इसे हम टॉप से थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, मैं इसका सॉफ्टवेयर भी लेने वाला हूँ इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो समझो ये टॉप से अगर हम इसे छोड़ते तो रोल होके बॉडी ऐसी नीचे तक आती है, तो यहाँ दोनों की एडिशन होती है, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन होती है और दूसरी रोटेशनल मोशन होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ रोलिंग मोशन होता है और बॉडी रोटेट होती है, तो कहाँ रोटेट होती है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बता दिया। बॉल के बारे में पत्थर के बारे में अगर हम टॉप में यहाँ अगर बॉल भी रखते हैं, समझो मैं यहाँ इसे एक बॉल भी रखते हैं, समझो यहाँ हम बॉल रख रहे हैं, तो बॉल का रोटेशन देने के बाद उसका सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे से पास होता है, ओके, ऐसा रोल करके बॉडी बॉटम तक आती है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है, व्हील्स ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हैविंग रोलिंग मोशन, व्हील्स ऑफ व्हीकल यानी कि जो व्हीकल्स है जो गाड़ियां रहती है वो एक जगह से दूसरे जगह जब जाती है तो उसका जो व्हील होता है तो व्हील रोल होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है वहां उसका रोलिंग होता है और साथ ही साथ उसका रोटेशनल मोशन ही होता है। अगर थोड़ी सी गाड़ी हम इंक्लाइन करेंगे और एक्सीलेटर घुमाएंगे तो गाड़ी का वो चाक एक ही जगह पे वो जो व्हील रहता है वो एक ही जगह पे वो व्हील रोटेट होता है, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। अगर वो इंक्लाइन करे वाली गाड़ी अगर हम प्लेन रख देते हैं और एक्सीलेटर घुमाते हैं स्ट्रेच करते हैं तो वो व्हील रोटेट होके वो गाड़ी को उसी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जाती है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि बॉडी की बॉडी जगह बदलती है और जगह बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, वो नीचे की पहिए नीचे के व्हील्स चाक, वो चाक बोलते हैं मराठी में चाक, पहिए जो पहिए तीन पहिए चार पहिए की गाड़ी हो तो उसे रोटेट करके एक जगह से दूसरे जगह ले, तो टू व्हीलर का भी हम एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ व्हील्स ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन हैविंग द रोलिंग मोशन है, ओके। इसके बाद देखते हैं सपोज अब इसका हम डेरिवेशन निकालते हैं, तो डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे हम, तो चलो देखते हैं, सपोज बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है उसका मास क्या ले रहे हैं हम m, मूव्स विथ लीनियर वेलोसिटी v, यानी कि वो बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रही है, तो मूव करने के लिए उसकी जो कुछ भी वेलोसिटी रहती है वो वेलोसिटी v रहती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द i एंड रेडियस ऑफ गायरेशन k। ये जो पूरे टर्म है और एक बार मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ थोड़ा सा, आवेश शेख बहुत आप रिप्लाई कर रहे हैं, तो क्या सर आप
पास 12th की बुक आ गई क्या, ओके फिजिक्स के न्यू सिलेबस की? बेटा नहीं आई है, खाली चैप्टर्स आए हैं। तो चैप्टर्स भी वो भी रियलिटी है या नहीं, कुछ फेक भी हो सकते हैं, लेकिन किताबें तो आगे आने ही वाले हैं। लेकिन हमें पता होता है टीचर लोगों को कि सिलेबस में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है, हमें पता रहता है कि आगे क्या है, ग्यारहवीं में कौन से चैप्टर है, और जो ग्यारहवीं में नहीं है वो बारहवीं में रहते हैं। इसलिए जो ग्यारहवीं में नहीं है, एलेवेंथ क्लास में जो कुछ भी चैप्टर नहीं है, जो सिलेबस नहीं है, वो सिलेबस में यहाँ ट्वेल्थ के लिए पढ़ा रहा हूँ। और एलेवेंथ के लिए सेपरेट वीडियोस है और ट्वेल्थ के लिए मैं सेपरेट वीडियोस ले रहा हूँ। अब किताबें आने के लिए तो टाइम लगने ही वाला है, कि आप तो मालूम है, आपको तो मालूम है, क्योंकि लॉकडाउन चालू है, किताबों की प्रिंटिंग वगैरह चालू है या नहीं ये भी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि किताबें आने के लिए टाइम लग सकता है। ये महीना तो अखा जाएगा, पूरा महीना जा सकता है अप्रैल महीने के एंड, अगर लॉकडाउन 15 अप्रैल को बंद होता है तो इस महीने के एंड तक किताबें आ सकती है। और लॉकडाउन बंद रहा और लॉकडाउन चालू ही रहा तो आगे मई महीने में आ सकते हैं। यानी कि किताब के बारे में मत सोचो, मैं जो दे रहा हूँ इसके ऊपर भरोसा रखो, मेरे पे फेथ रखो, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये ट्वेल्थ का समझ के आप पढ़ना शुरू कीजिए, टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूँ, ओके। और उसके बाद सर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक नहीं मिली, ओके वो मिल जाएगी, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक्स सर, ओके थैंक्स बेटा, आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ओके तो आगे देखते हैं। समझो, मैं सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम मूव्स विथ लीनियर वेलोसिटी वी, उसके बाद लीनियर वेलोसिटी यानी कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी वी है। एंगुलर वेलोसिटी बोले तो जो बॉडी रोटेट होती है, यानी कि रोटेशन करते वक्त वो कुछ ना कुछ एंगल से बॉडी वो रोटेशन करती है, तो उसकी एंगल ट्रांसलेट करने की यानी कि एंगल प्रेस करने की उसकी जो कुछ भी वेलोसिटी रहती है उसे कहते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, ओके। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज द MII ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, ओके, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन के ऑफ दैट बॉडी। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो रोलिंग बॉडी का रोलिंग मोशन का जो है ये पॉइंट हम डिटेल से इस पॉइंट्स के आधार से हम पढ़ रहे हैं, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज सम ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया था रोलिंग मोशन बोले तो क्या, रोलिंग मोशन बोले तो दोनों की एडिशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन है, एक रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और रोलिंग बॉडी का अगर आपको काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करनी है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, रोल करने वाली बॉडी के काइनेटिक एनर्जी बोले तो दोनों का एडिशन है, सम है। किसका सम है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन बोले तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बॉडी को एक कुछ ना कुछ अमाउंट की एक काइनेटिक एनर्जी लगती है। समझो आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो सम कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी ऑफ वहां कंज्यूम करते हैं, ओके। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोले तो वो बॉडी टॉप से लेके अगर बॉटम तक आती है तो रोटेट होके आती है, तो रोटेट होते वक्त उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती है, जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने लास्ट वीडियो में हमने डिटरमाइन की है, वो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, ओके। तो इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो रोलिंग बॉडी, नोट करो आप, नोट करते चलिए, रोलिंग बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन है। यानी कि बॉडी ट्रांसलेशन कर रही है तो एक जगह से दूसरे जगह अगर बॉडी जा रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, और उसके बाद हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बोले तो I बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा बोले तो एंगुलर वेलोसिटी एंड m बोले तो मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी विच इज रोलिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड v इज इट्स लिनियर वेलोसिटी मीन्स व्हेन बॉडी
moves from top to bottom, during moving top to bottom, its velocity is v. ये दोनों का अगर हम addition करते हैं तो हमें rolling body का moment of inertia हमें मिलता है. Okay? ये इस तरह से. Okay? तो आगे rolling का मैंने तो diagram तो आपको दे ही दिया था. Okay? चलो बच्चों थोड़ा सा setting थोड़ा सा problem आया था. Okay? तो इस तरह से ये rolling body के बारे में मैंने आपको बता दिया है diagram वगैरह draw करके. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज सम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो के रोल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओके, तो आगे की स्टेप है तो के रोलिंग इज इक्वल टू रोल करने वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, वो टॉप से बॉटम तक दोनों की एडिशन है तो हाफ काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की. तो रोलिंग की है हाफ एम वी स्क्वायर, ये रही हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, ये दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा बदल करते हैं तो आई आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज दी हाफ, दिस वन इज दी हाफ इज एज इट इज. आई इज दी आपको पता है आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. ओके, तो यम के स्क्वायर ये रेडियस ऑफ गायरेशन में मैंने आपको बताया है और ये रहा ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा बोले तो आपको ये पता है इक्वेशन वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा है. अगर ये वी इक्वल्स टू आर ओमेगा है तो इसे हम ओमेगा के बराबर इक्वेशन लिखते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर है. ओके, और यहां ओमेगा स्क्वायर होने की वजह से हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आएगा और ये वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे तो ये इक्वेशन आएगा हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओके, लेकिन यहां क्या है तो हाफ एम वी स्क्वायर है और यहां भी एम और वी स्क्वायर है और यहां भी हाफ है तो हम क्या करेंगे यहां का एम वी स्क्वायर और यहां का एम वी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के बाद ये स्टेप इस तरह से आएगी. तो के ऑफ रोलिंग इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर क्योंकि ये पूरी टर्म कॉमन आ गई तो इसके जगह हम खाली एक ले लेते हैं तो ये रहा वन. ओके, तो ये वन है तो इसके बाद यहाँ ये बाकी रहेगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर तो ये रहेगा वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, जो बॉडी रोल कर रही है तो रोल करने वाले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी. ओके, उसके बाद तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट बीट नेक्स्ट पॉइंट क्या है. सिंस द वैल्यूज ऑफ के इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट बॉडीज, सिंस द वैल्यू ऑफ के बोले तो रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज, हर एक बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन डिफरेंट हो सकती है. ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, यानी कि एक बॉडी है ऐसा टॉप से लेके अगर बॉडी ये टॉप को जब बॉडी टॉप को है तो उस वक्त इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जब वो बॉडी बॉटम तक नीचे आएगी तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी रहेगी ये, और जब बॉडी जब टॉप से लेके बॉटम तक आएगी तो बॉटम आते वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो फाइनल इक्वेशन आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओके, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट बीट. जो नेक्स्ट बीट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ रिंग, वेलोसिटी ऑफ अ रिंग सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर हैविंग द सेम रेडियस रोलिंग डाउन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विदाउट द स्लिपिंग. हम रोलिंग मोशन लर्न कर रहे हैं दोस्तों, रोलिंग मोशन यानी कि एक टॉप को बॉडी, एक हमने टॉप को बॉडी रखी है और वो बॉटम तक रोल होके आ रही है तो खाली हम रोलिंग होने वाले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमने डिटरमाइन की है तो हम क्या करते हैं अभी समझो एक्सप्रेस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ रिंग. एक रिंग है वो टॉप को हमने रखा है और वो रिंग रोलिंग होके नीचे तक आ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी. उसके बाद सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है टॉप को हमने रख दिया इंक्लाइन सरफेस पे वो रोल होके नीचे तक आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी. उसके बाद सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है
बोले तो ज्याला आपण भरीव गोळा असे म्हणतो, सॉलिड स्फिअर, भरीव गोळा, तो एखाद्या टॉपवर जर सोडला असेल आणि तिथून जर गोल फिरत जर बुडाला येत असेल तर त्यांची वेलॉसिटी काय असेल, हॅविंग सेम रेडियाय रोलिंग डाऊन द स्मूथ इन्क्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, यानी कि स्लिप ना होते हुए भी वो अगर रोल होके नीचे आ रही है तो इनकी वेलॉसिटी क्या क्या रहेगी और कैसी रहेगी, इनका रिलेशन क्या रहेगा, ये आपको डिटरमाइन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ क्या क्या है, सेम रेडियाय कहा है, यानी कि अगर बॉल है तो रिंग जैसे रिंग उतनी ही उसकी रेडियस होनी, अगर सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो उसकी भी रेडियाय उतनी ही होनी, यानी कि सबकी रेडियाय सेम होगी। तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलो हम इमेजिन करते हैं, तो क्या इमेजिन करते हैं, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम, एक रिजिड बॉडी है उसका मास हम एम कंसिडर करते हैं, ओके, उसकी रेडियस कैपिटल आर, समझो एक रिजिड बॉडी है और उसकी रेडियस हम कैपिटल आर लेते हैं, ठीक है। रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन विथ थीटा डिग्री फ्रॉम द हाइट एच, यानी कि ऐसा एक इंक्लाइन सरफेस दे रहा हूं मैं आपको यहां, तो उसका ये इंक्लाइन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिस इज द थीटा, ओके। तो ये डायग्राम आपके सामने मैं यहां रख रहा हूं, तो ये डायग्राम है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। तो क्या आगे, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी टॉप को है, हम रोल कर रहे हैं इसे, ओके, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन, वो नीचे रोल होके आ रहे, रोल्स डाउन इंक्लाइंड प्लेन, ओके, इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व, इसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, बोले कंजर्व रहेगी, ओके। तो आगे क्या, देन इफ वी इज द लीनियर स्पीड ऑफ अक्वायर, लीनियर स्पीड अक्वायर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि जब बॉडी टॉप से लेके बॉटम तक आ रही है तो बॉटम आते वक्त इसकी जो कुछ भी वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी रहेगी वी। और एक बार बता तो मैं आपको, कंसिडर एक रिजिड बॉडी हमने कंसिडर की है, उसका मास है कैपिटल एम, त्याची रेडियस असेल कैपिटल आर, ओके, एंड रोलिंग डाउन, वो रोल, तो ती रोल होत खाली सरफेस कडे येत आहे, बॉटमला येत आहे, बुडाला येत आहे, प्लेन ऑफ इंक्लाइंड इंक्लिनेशन, प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन विथ एंगल थीटा, ये प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल इसका थीटा है, ओके। इसके बाद फिर एट हाइट एच, जिस हाइट पे हमने ये बॉडी रखी है ये हाइट है एच, ओके। इसके बाद देन फैन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से, यानी कि ये जो पॉइंट दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पॉइंट जो है यहां से बॉडी रोल होना स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट रोल्स डाउन, वो बॉटम को आ रही इंक्लाइन प्लेन, द टोटल इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व, वो टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। कंजर्व बोले तो क्या, अगर बॉडी टॉप को है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग रहेगी, और बॉडी रोल होके नीचे आ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग रहेगी, लेकिन जब वो बॉटम को आएगी और वो बॉडी जब टॉप को रहती है उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी वो बॉडी में उतनी काइनेटिक एनर्जी बॉटम में रहती है, लेकिन फर्क एक है, बॉडी जब टॉप पे रहती है तो वहां पोटेंशियली एनर्जी रहती है, वो उसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती, और जब वो रोल होके नीचे आने लगती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। इस तरह से टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, कैसी कंजर्व रहती है हम लास्टली इस पॉइंट में देखने वाले हैं। तो क्या है आगे का पॉइंट देखते हैं, चलो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, बोले तो एक बॉडी है वो ट्रांसलेट करके ट्रांसलेशन हो रहा है बॉडी का, यानी कि एक जगह से बॉडी दूसरी जगह तक जा रही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी के ई ट्रांस, ओके, और बॉडी रोटेशन करके वो बॉटम तक आ रही है तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी के ई रोट, विच इज इक्वल्स टू पी एट द टॉप। अभी अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि जब बॉडी टॉप को रहती है तो उसकी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के ई ट्रांस प्लस के ई रोट, यानी कि दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, दोनों की एडिशन होती है, ओके, और जब वो बॉडी टॉप से लेके बॉटम तक आती है तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन काइनेटिक एनर्जी में होता है और बॉटम तक वो टोटली काइनेटिक एनर्जी में रहती है। तो कैसे, तो के ई ट्रांस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है, और के ई रोट है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है तो क्या है, एम जी एच, एम बोले तो मास ऑफ दिस बॉडी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी, एंड एच इज द हाइट ऑफ द बॉडी,
यानी कि ये बॉडी की जो कुछ भी हाइट रहती है ये हाइट हम यहां बताते हैं. ओके, तो इसके बाद देन आगे क्या रहेगा, तो हाफ यम वी स्क्वायर प्लस हाफ यम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम एच एम जी एच. तो कैसा ये रहा, हाफ यम वी स्क्वायर हाफ यम वी स्क्वायर सेम है. ओके, ये हाफ है ये हाफ है, ये आई के जगह हमने यम के स्क्वायर लिखा और ये ओमेगा स्क्वायर बॉडी रोल होके नीचे आ रही है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वही हमने वैसे रख दिया. तो यम जी एच बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये इक्वेशन का हमने ऐसा लिख दिया है. तो आगे क्या रहेगा, तो आगे का पॉइंट ऐसा आएगा, तो हाफ यम वी स्क्वायर हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यम जी एच. बट आपको पता है, मैंने इससे पहले आपको बताया, क्या बताया, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा है, तो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा है तो इसे हम ओमेगा के बराबर में लिख देते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर है. यहां ओमेगा स्क्वायर है तो हम यहां ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ऐसा आएगा. और ये टर्म अगर हम यहाँ ओमेगा की जगह लिख देते हैं तो ये टर्म इस तरह से आएगी, हाफ यम वी स्क्वायर प्लस हाफ यम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच. जैसा शुरू में हमने लिया है, क्या कॉमन क्या है, हाफ यम वी स्क्वायर हाफ यम वी स्क्वायर हाफ यम वी स्क्वायर, ये कॉमन आता है. ये कॉमन आने के बाद आपको पता है इसके जगह पूरा कॉमन लेने के बाद यहाँ वन आता है, तो इक्वेशन क्या रहेगा, देखो तो हाफ यम वी स्क्वायर इसके जगह वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. यानी कि यहाँ का वी और यम और यहाँ यम वी स्क्वायर ये दोनों कॉमन आ गए. कॉमन लेने के बाद क्या बाकी क्या रहता है, तो वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच. ओके, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एम जी एच डिवाइडेड बाय वी के बराबर में हम इसे लिख देते हैं. तो वी के बराबर में लिखने के बाद इसे क्या आएगा इक्वेशन, तो वी स्क्वायर ये हाफ यम है तो हाफ है, तो ये जो जो ये टू है हाफ है तो ये टू इधर मल्टीप्लाई में आएगा मल्टीप्लीकेशन में. ओके, तो लेकिन यहाँ क्या है, तो ये यम और ये यम बोथ गेट कैंसल, ये दोनों ही यम यम कैंसल हो जाएंगे. तो यम यम कैंसल होने के बाद ये टू इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में आने के बाद तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्रॉस होके इधर आएगा, तो क्या टू जी एच डिवाइडेड बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओके, टू जी एच डिवाइडेड बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इस तरह से एक इक्वेशन आएगा. तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बराबर है. तो या v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाय वन प्लस के स्क्वायर, ये इनवर्स आएगा इसका. तो v इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ओके, तो इसके बाद अबव इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, बॉडी रोलिंग डाउन द स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस. एक बॉडी है स्मूथ है और रोलिंग होके नीचे तक आ रही है तो उसकी वेलोसिटी रहेगी ये. इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, तो विच इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग. ओके, तो इसके वहां विच इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग और विच इज रॉन्ग ऐसा भी आएगा. विच इज करेक्ट बोले, विच इज करेक्ट अगर क्वेश्चन में विच इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग ऐसा कहा जाएगा तो वहां खाली एक करेक्ट इक्वेशन होगा और तीन रॉन्ग होंगे. और विच इज रॉन्ग फ्रॉम फॉलोइंग ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा तो वहां विच इज रॉन्ग तो उसमें से तीन करेक्ट होंगे और एक गलत होगा. तो ये आपको इस तरह से लिखना होगा. तो इसके बाद तो इसके ऊपर आपको वेलोसिटी भी डिटरमाइन करने के लिए कहा जाएगा. समझो एक बॉल है, वो बॉल का रेडियस ऑफ गायरेशन इस तरह से है, उसकी रेडियस इतनी इतनी है और वो इतनी हाइट से उसे हम रोल कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको. समझो एक रिंग है और टॉप को रखा है, तो टॉप को रखने के बाद उसकी रेडियस इतनी इतनी है, उसका इतने हाइट से हम उसे रोल कर रहे हैं और उसकी रेडियस इतनी इतनी, रेडियस ऑफ गायरेशन इतनी है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्जिया सॉरी उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, ऐसा आपको पूछा जा सकता है. ये रहा इस एंगल से. दूसरा भी एंगल आपको ऐसा भी किया जा सकता है, मास दिया जाएगा, मास दिया जाएगा और मास देने के बाद भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए आपको पूछा जा सकता है. तो कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो मास आपको दिया जाएगा,
वो कितने वेलोसिटी से रोल कर रहा है, तो रोल वेलोसिटी भी दी जाएगी और मास दिया जाएगा, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन दिया जाएगा, वेलोसिटी दी जाएगी और उसकी हाइट भी दी जाएगी, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए कहा जा सकता है। ओके, इसलिए आपको यानी कि ये जो है जो इक्वेशन आप पढ़ रहे थे इसे इसमें से बहुत सारी एंगल में से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, और दूसरा एक बात आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं, समझो रोलिंग कर रहे है बॉडी, तो यहां आपको ऐसा भी आ सकता है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1+k² / r² ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग में, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। टू बॉडीज दी जा सकती है, टू बॉडीज, और टू बॉडीज देने के बाद एक की वेलोसिटी आपको दी जाएगी और दूसरी की वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको कहा जाएगा, लेकिन वहां रेडियस ऑफ गायरेशन पहले से दूसरे का ट्वाइस है और रेडियस उसकी पहले से हाफ है, ऐसा भी कहा जाएगा। इसलिए आपको ये इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1+k² / r², ऐसा लिखा जा सकता है, यानी कि ऐसा आपको इक्वेशन, एक इक्वेशन लेना पड़ेगा। और दूसरा इक्वेशन v2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1+k² k1 square और ए r² ऐसा, और दोनों का डिवाइड करके यानी कि v2/v1 = इक्वेशन क्या आ सकता है, तो 1/√1+k² r² ऐसा आएगा, डिवाइडेड बाय आपको उसी तरह से 1/√ क्या आएगा, 1+k² / r² और इसका आप अगर तिरछा गुणाकार करते हैं तो v2/v1 = 1√ क्या आएगा, अंडर रूट दोनों का कॉमन आएगा, तो 1+k² / r² / 1+k² / r² इस तरह से आ सकता है। और ये मॉडिफाई करके अगर आप पूरे की पूरे सबकी वैल्यू, के की वैल्यू, सबकी वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपको करना होगा, थोड़ा सा स्टेप्स मिनिमाइज करके आप संक्षिप्त रूप देके आप डिटरमाइन कर सकते हैं, और v2 आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि यानी कि v1 के कंपैरिजन में v2 आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, ये रहा वेलोसिटी। आगे देखते हैं हम आगे का पॉइंट क्या है, तो फॉर रिंग के बारे में, रिंग है तो रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बराबर रहता है। क्यों रहता है, तो आपको ये इक्वेशन है m² = m r² है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल्स टू m² है रिंग के बारे में, और i = m r² है ये रिंग के बारे में, यानी कि रेडियस लेके यानी कि जो डिस्क है, जो रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r² है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में m² है, और ये दोनों का अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो m² = m r², तो m एंड m गेट कैंसल, तो बाकी उड़ता है k² = r², यहां मैंने आपको दे दिया है k² = r² है, और k² = r² होगा तो हम जो इक्वेशन आपको बेसिकली दिया है, बेसिक इक्वेशन क्या दिया है मैंने आपको, तो v = √√2gh, ये है ये 2gh 1+k² / r², ये 2gh इस तरह से 2gh 1+k² / r² है, तो k क्या है, तो k² / r की जगह हम भी यहां k² लिख देते हैं, क्योंकि k² = r² है, यानी कि r के जगह k लिखो, नहीं तो k की जगह आप r लिख सकते हैं, दोनों k square अगर कैंसिल होता है तो v = √ आएगा
टू जी एच डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, यानी कि v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाय टू. तो टू एंड टू गेट कैंसल, रिमेन ओनली v इक्वल्स टू अंडर रूट जी एच. ये रही वेलोसिटी ऑफ रोलिंग रिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि एक रिंग टॉप से बॉटम तक वो रोल होके आ रही है तो उसकी वेलोसिटी रहेगी v. ओके, तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रोलिंग रिंग एट हाइट 2 मीटर. फैन बॉडी रोल फ्रॉम 2 मीटर हाइट, देन व्हाट्स, ऐसा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रिंग फैन इट रोल फ्रॉम 2 मीटर हाइट ऑन इंक्लाइन सरफेस, थ्रू इंक्लाइन सरफेस, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. तो इसकी मदद से आप ये इक्वेशन की मदद से आप पूरा उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, सुनीता राजे, सर शाहू एंट्रन्स एग्जाम साठी काही अडवाइस द्या. एग्जाम पुढे गेलेली आहे, शाहूची एग्जाम पुढे गेलेली आहे. फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, अवासम लेक्चर, थँक्यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर. उसके बाद हम आगे का देखते हैं, ये दोनों का एडिशन हुआ तो ये लास्ट इक्वेशन मैंने आपको डिराइव करके दिया है. ओके, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर दैट इज द के स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉलिड सिलेंडर के बारे में, सॉलिड सिलेंडर के बारे में उसका रेडियस ऑफ गायरेशन का इक्वेशन, ये आपको खाली इतने इक्वेशंस आपको याद रखने होंगे. तो के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय टू, के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय टू. इनके इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड का वगैरह, वो मैं आपको आगे देने वाला हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं. लेकिन वहाँ क्या रहता है, तो एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, दिस इज द एम के स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, ऐसा. ओके, तो एम एंड एम गेट कैंसल, तो दिस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आता है, आर स्क्वायर बाय 2. तो इसके बाद एक इक्वेशन आएगा फॉर सॉलिड सिलेंडर, तो के जगह हमें क्या लिखना होगा, तो ये यहां मैं आपको डिटरमाइन करके देता हूं. वी क्या है, सॉलिड सिलेंडर एस सी इज इक्वल्स टू, इक्वेशन रहेगा अंडर रूट 2 जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस के जगह हम आर बाय आर स्क्वायर बाय 2 रखेंगे, तो आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, तो आगे क्या आएगा, तो वी एस सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये क्या आएगा, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाय आर स्क्वायर. तो यहां आर स्क्वायर कैंसिल होगा, उसके बाद यहां आएगा वी एस सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर दोनों भी क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं. तो कैंसिल होने के बाद ऐसा हाफ आ सा है, 1 प्लस हाफ आएगा. 1 प्लस हाफ आने के बाद क्या रहेगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, मीन्स 3 बाय 2 आएगा. 3 बाय 2 आने के बाद v ऑफ सिलेंडर वी एस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एच डिवाइडेड बाय 3 बाय 2. तो उसके बाद अंडर रूट क्या आ सकता है, तो 2 जी एच इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, बोले तो 4 जी एच डिवाइडेड बाय 3 ये. और इसके बाद अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 अंडर रूट जी एच बाय 3, इस तरह से इक्वेशन आएगा. ये मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं, इस तरह से 2 जी एच ऐसा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट जी एच बाय 3, इस तरह से. ओके, ये रहा, अगर इसका स्क्वायर रूट डिटरमाइन करते हैं तो इस तरह से आएगा. ओके, सॉरी, ये रहा किसका, सॉलिड सिलेंडर के बारे में, ये इस तरह से आएगा. इसका स्क्वायर रूट करने के बाद 2 अंडर रूट जी एच बाय 3 आ सकता है. इसके ऊपर भी प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा, तो प्रॉब्लम के लिए क्या कहेंगे, 2 सिलेंडर दिए जाएंगे, एक फर्स्ट सिलेंडर सेकंड सिलेंडर, दोनों भी हाइट से रिलीज कर रहे हैं. तो रिलीज करने के बाद दोनों की वेलोसिटी फर्स्ट के कंपैरिजन सेकंड की क्या रहेगी, सेकंड के कंपैरिजन फर्स्ट की क्या रहेगी, ऐसा आपको प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है. तो इसलिए आपको ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो वी
SC1 डिवाइडेड बाय VSC2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट H1 बाय H2। ऐसा एक कंबाइंड इक्वेशन आप स्पेशली ध्यान में रख दो। ओके, इसके बाद हम देखते हैं फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए, तो K square equals to 2 by 5 R square, यानी कि MK square इज इक्वल्स टू 2 by 5 MR square। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये इक्वेशन है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन है 2 by 5 MR square। तो 2 by 5 MR square है तो हम क्या करेंगे, यम और यम कैंसिल होता है तो बाकी उड़ता है खाली, बाकी रहता है K square equals to 2 by 5 R square। तो हम क्या करेंगे, जो अभी जो इक्वेशन मैंने आपको दिया था आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर के जगह के जगह हम 2 by 5 R square लिखते हैं। तो बाद में आएगा V square equals to under root 2 GH divided by 1 plus 2 by 5। तो V square equals to under root 2 GH divided by 1 plus 2 by 5। ओके, तो आपको करके देना है क्या, तो चलो आपके डिटरमाइन करके देखता हूं। तो V square is equals to under root 2 GH divided by 1 plus क्या रहेगा, तो ये के जगह हम लिखते हैं 2 by 5 R square divided by R square। ओके, तो आपको पता है R square गेट कैंसल, दैट V सॉलिड सिलेंडर का है, सॉलिड स्फीयर, यस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 GH divided by 1 plus 2 by 5। तो VSS इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इधर लिखता हूं मैं इधर, तो VSS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 GH divided by 5 plus 2 divided by 5। बोले तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 into 2 is 5 plus 2 7। ओके, तो इसके बाद आएगा VSS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 GH divided by 7 by 5। इसके बाद आएगा VSS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 GH into 5 by 7। तो रहेगा अंडर रूट क्या आएगा, तो 10 GH divided by 7, इस तरह से 10 by 7 into GH। ओके, तो इसके बाद ये रहा ये फाइनल स्टेप्स अब हमारी इस तरह से। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस, ये इक्वेशंस वी रिंग, उसके बाद वी सिलेंडर, उसके बाद वी स्फीयर, इनका अगर इक्वेशन हम अगर कंपेयर करते हैं तो वी रिंग इज लेस देन वी सिलेंडर इज लेस देन वी स्फीयर, यानी कि रिंग का वेलोसिटी, सिलेंडर का वेलोसिटी और स्फीयर की वेलोसिटी ऐसी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि सॉलिड स्फीयर रिंग वगैरह पूरा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है और रेडियस अगर उतनी ही रही तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहता है, तो इसलिए सबकी रेडियस सेम है, सबकी रेडियस सेम है, ये कंपलसरी है, रेडियस सबकी सेम है, और इस तरह से इनका वेलोसिटी आपको मिल सकती है। तो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जा सकता है, और विच इज करेक्ट फॉर फ्लोइंग ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या रहेगा, ये इज इक्वल्स टू ये रहेगा, ए के बराबर ये दिया जाएगा, बी के जगह वी स्फीयर इज लेस देन वी रिंग इज लेस देन वी स्फीयर, उसके बाद सी रहेगा वी सिलेंडर वी रिंग, ऐसा बदल के रहेगा। तो करेक्ट अपना रहेगा वी रिंग इज लेस देन वी स्फीयर। ओके, इस तरह से, तो इस तरह से मैंने आपको रोलिंग के बॉडी में मैंने आपको दे दिया है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। दोस्तों ये बीट हम आगे के वीडियो में, कल के लेक्चर में लेते हैं। तो ये रहा खाली आज वेलोसिटी का कंपैरिजन, यानी कि रोलिंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी वगैरह हमने डिटरमाइन की है, और इसके ऊपर हमने वेलोसिटीज भी डिटरमाइन की है। तो आगे जो बीट आने वाला है वो बीट है हमारा एक्सेलरेशन का, ये एक्सेलरेशन का बीट हम कल के लेक्चर में लेते हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से डिटेल से ले लेंगे, डिटेल में ले लेंगे कल हम। तो आज के लेक्चर के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम को रात 8 बजे। आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन कल 8 बजे शार्प 8 बजे हम सब मिलते हैं। तो ठहरते हैं अभी, जय हिंद जय भारत दोस्तों।
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, चैनल की लिंक शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, सबको बताइए कि सर ने लाइव लेक्चरर लाइव क्लास लेना शुरू किया है, तो सबको अटेंड करने के लिए आप कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के लाइव सेशन के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।